एकदम मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने इससे पूछा, मैंने बाबर भाई ये मेरा तो बोलता है, एक तो यार आप मुझे भाई ना बोलो, मैं तेरे से छोटा हूँ यार भाई क्यों बोल रहा है, तो ये ना बोला मैंने कहा नहीं सदर भाई तो है, तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बोला यार रमेश भाई आपने ऐसा चीटिंग की है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपने मुझे बोला था मैं कैसा आ रहा हूँ, लेकिन बाबर आए बाबर भाई कैसे, यार मैं सही बताऊँ मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा कैसे ठीक है मजे में बाबर भाई आपकी क्या बात है भाई, मैदान में जैसे ये उतरते हैं 100 नंबर को 101 बुखार हो जाता है। सही बात हर दफा करते हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह गाड़ियों का बड़ा शौक है माशाल्लाह, आपके गाड़ी के सारे ट्यूबलेस टायर है, मेरी गाड़ी के होपलेस क्यों है ये आपको बता। अच्छा ये मुझे जो आपकी प्रॉब्लम मुझे लगती है ना इफ्तिखार, वो है स्पिन बॉलिंग को खेलना। देखिए ये इसके भी मुझे बताया, मैंने बोला यार एक मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने इससे पूछा, मैंने बाबर भाई ये मेरा तो बोलते है, एक तो यार आप मुझे भाई ना बोलो, मैं तेरे से छोटा हूँ यार भाई क्यों बोल रहा है, तो ये उन्होंने बोला मैंने कहा नहीं सदर भाई तो है, मैंने कहा क्या बताया आपको, इन्होंने बोला कि तू ना ये वाशिंग मशीन जो है ना एक घंटे उसको चला के देखता रहा, तो अगर फिर भी बात ना बने तो तू ना उसके अंदर कच्छा पहन के बैठ जा, शायद फाका पड़ जाए। मैंने बोला बहुत शुक्रिया, और मैंने वैसा किया, यकीन जानो परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, मेरा मशीन जल गया। आपने इनके परफॉर्मेंस दिखाया बाबर का, बाबर भाई मैं आपके परफॉर्मेंस क्लिप पुराने देख के मैं रो रहा था, क्यों मैं रो रहा था, मैं जज्बात हो गया था, मेरे क्यों नहीं दिखाए। वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत आपको रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। ये तो है माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो बेटा हुआ है बड़े। लेकिन ये हमारा हीरो है पूरा दुनिया जानते है, और सही बता रहा हूँ कि ऐसे एक एक साथ रखे, लेकिन उस रात अपने हम सबको एक साथ नहीं रखा था, ये लेकिन शरारती है ये जा रुके हुए होते हैं ना रात 12 बजे पे, क्या चुल मचती है, अंडे मारने लोगों को निकल जाती है, शरारती करते बच्चा भी है ना अंदर से। आज आप सब लोगों को मैं यहाँ पे एक राज का इंकशाफ का पास करना चाहूंगा, यहाँ मैं बता दूं ये चाचा नाम कैसे रखा है, ये बात है 12-13 साल पुरानी। बाबर भाई आप दुबई गए हुए थे, आपको याद हो अगर, इफ यू रिमेम्बर, नहीं वो जो जहाँ पे उसने एक सेंग कही थी कि डेंजल वॉशिंगटन वाज सेड इफ देयर इज नो पिच देयर इज नो मैच, ये बात जिसने लिखी थी। आप दुबई में थे, वहां पर मैं ऊंट को लेकर जा रहा था, आपने बोला चाचा रास्ता भूल गए थे आप, वहीं से मेरा नाम चाचा पड़ गया था। नहीं ये वैसे एक बात बताइए बाबर मुझे, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये चाचा क्यों बोले, मैं चिपका दिया चीफ। उस दौरान मुझे एकदम आपकी शक्ल जब बॉलिंग कर रहे थे या आई डोंट नो फील्डिंग कर रहे थे तो आप जरा स्लो आ रहे थे, उसके बाद वो वहाँ पे मुझे एकदम, मैंने सोचा नहीं था या मैं पहले इसको बैक ऑफ द माइंड रखा नहीं ये बोलना, वो एकदम नहीं होता एक ये दिमाग में आया मैंने बोल दिया सही है, वो कैमरे में आ गया। बहुत अच्छे अभी आप तो हरकतें देख के क्या और छोटी छोटी चीजें आ जाती है। अच्छा खिलाड़ी है 11, लेकिन मुझे ये बताएं हाजी एंजॉय करते हैं ना बहुत ज्यादा, यकीन जाए बहुत ज्यादा, मुझे बुरा नहीं लगता है, हम लोगों ने एक साथ बड़ा वक्त गुजारा है और बहुत अजीब अजीब शरारतें भी की हुई है, मैं बच्चा भी हूँ ना थोड़ा सा, बच्चे हुए हैं आप, मैं आपसे बड़े मुद्दबाना गुजारिश करूंगा और सवाल पूछूंगा, ये आप मुझे हर बार दो ओवर के लिए क्यों लेके जाते हो भाई, जब खिलाना ही नहीं होता है तो फिर लेके नहीं जाओ, अच्छा वहां पे बिठा देते। मैंने कहा यार खड़े तो बोल रहे आपकी उम्र इतने नहीं है अभी, वो चीज नहीं रही है आप आराम करो, मैंने कहा तो फिर उससे अच्छा मुझे पैर बनाओ, कुछ परिंदे आके बैठेंगे मुझे, वो तो नहीं सवाब का काम तो होगा। अच्छा वैसे कवर ड्राइव इनका बड़ा मशहूर है, तो कवर ड्राइव करने के बाद ये लॉन्ग ड्राइव पे एक दफा चले गए, इतने लंबा लॉन्ग ड्राइव की है पड़ोसी मुल्क में चले गए, सही बात है, वहां निकल गए, पास ही तो है। मैं एक चीज करना चाहूंगा, अभी बाबर आए हुए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मौका ना उठाया जाए, आप तो वैसे बनाते रहते होंगे एक ही टीम में, मतलब आपके लिए क्या इतना? नहीं नहीं वो असली वाला बनाते हैं ना, हमारे तो मौका थोड़ी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ आपका इफ्तिखार चाचा, और चाचा बनाने वाला वो मशीन यहाँ बैठा है बाबर आजम। बाबर आजम the world the best the player the WWF the world champion।
बाबर एक पहेली आपसे पूछता हूँ, रिडल रिडल आपने बुझ रहे हैं, बुझो तो जानी बात ये है कि उम्र में बड़ा है, दिल का सच्चा है, हरकतें बच्चों वाली है, लेकिन बादाम भी कच्चा है, बताओ कौन है? चाचा। चलो लो भाई अल्लाह हाफिज, रमीज राज शो में आने का शुक्रिया आपसे फिर होती है, अल्लाह हाफिज। चलो मैं चलता हूँ भाई, खराब प्रैक्टिस भी कर रहा है मैंने।